हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसको आप स्टेटमेंट पर के क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन इज 6 added to 30 after number gives 33. Find the number. किसी number के 3 times में 6 add करने पर वो number 33 हो जा रहा है, तो उस number को find out करना है। जिस number को find out करना है, मान लेते हैं let the number is x. Okay, so according to question क्या कह रहा है कि 6 is added to 30 after number. नंबर के थ्राइस में यानी थ्री टाइम्स में 6 ऐड करने पर, ठीक है, नंबर इज 33। ओके, तो यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन अभी आपने देखा है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन का। इसमें क्या करेंगे, 6 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, आ जाएगा वैल्यू 27। ओके, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27 और यहां से जो 3 है इसको डिवाइड कर देगा, दैट इज 9। वैल्यू ऑफ x इज 9। सो द नंबर इज, सो द रिक्वायर्ड नंबर, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 9। रिक्वायर्ड नंबर इज 9, सो 9 इज योर सॉल्यूशन। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Now move on question number 2. If 9 is subtracted from a number, we get 11. किसी number में से 9 subtract करने पे 11 मिला, तो इसी तरह से करेंगे, उसमें equation क्या मिलेगा, x minus 9 is equal to 11। ठीक है, इसमें number select करेंगे, let the number is x and according to question, sorry, 19 is subtracted, x minus 19 is equal to 11, ये equation बनेगा। तो सॉल्व कर लेंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 69, फाइंड द नंबर। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखना है, कंसेक्यूटिव नंबर यानी नंबर बाय नंबर, नंबर एक नंबर के बाद का नंबर। जैसे पहला कंसेक्यूटिव नंबर अगर बात की जाए, जैसे हम कोई नंबर 2 ले रहे हैं, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो 3, 4 क्या है, 2 के कंसेक्यूटिव नंबर से। तो इसी तरह से हम कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर मान रहे हैं, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज, पहला नंबर अगर x मानते हैं तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 1 ऐड करने पर मिलेगा, एंड थर्ड नंबर क्या होगा, अगेन 1 ऐड करने पर। पहले नंबर में 1 ऐड किया तो सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर में 1 ऐड किया तो थर्ड नंबर। सो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x, x+1, x+2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 69। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ दीज नंबर, दैट इज x, x+1 और x+2, सबको ऐड करने पे क्या मिला है, 69। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे, x 3 बार आया हुआ है, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 3x plus 1 plus 2, दैट इज 3 इज इक्वल टू 69। सो 3x इज इक्वल टू 69 माइनस 3, दैट इज 66। तो x इज इक्वल टू 66 बाय 3, दैट इज 22। पहला नंबर क्या आ गया, 22। तो नंबर्स आर पहला नंबर 22, सेकेंड नंबर में 1 ऐड करने पे मिलेगा, तो 21 plus 1, दैट इज 23, सॉरी 22 plus 1, दैट इज 23, एंड द थर्ड नंबर इज 22 plus 2, दैट इज 24। सो 22, 23 एंड 24 आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स व्हिच व्हेन एडेड गिव्स 69। क्लियर, चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. Now move on question number 4. The sum of 2 consecutive multiples of 5 is 65.
फाइंड द नंबर, ये भी सेम क्वेश्चन की तरह से ही है, बस इसमें 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, दो मल्टीपल्स 5 के लिखने हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल इज 5x एंड द सेकेंड मल्टीपल इज 5x प्लस 5, दो मल्टीपल आप मानेंगे 5 के, 5x और 5x प्लस 5, इन दोनों को ऐड करने पे 65 आ रहा है। आप ऐड करके जब सब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, और फिर 6 की वैल्यू उस गिवन नंबर में रख करके आप टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स विच इज मल्टीपल्स ऑफ 5 इज ऑब्टेन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थ्राइस अ नंबर वेन इंक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 40। वेरी सिंपल, नंबर के थ्राइस में से 7 सब्सट्रैक्ट करने पे 40 मिला। तो नंबर अगर एक्स मानते हैं आप, तो नंबर का थ्राइस क्या होगा, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 40। सो वी हैव टू फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सॉल्विंग 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। आपका इक्वेशन होगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 40, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स 1/3 इज इक्वल टू 52, फाइंड द नंबर। ये मैं करके बताता हूँ आपको, अ नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर इज एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नंबर व्हेन एडेड विद एडेड टू इट्स 1/3, नंबर का 1/3 ऐड करने पे 52 मिल रहा है। नंबर हमने क्या माना, x तो x के में 1/3 ऐड करने पे 52 मिल रहा है। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3x प्लस x दैट इज 4x बाय 3 इज इक्वल टू 52। मैंने थोड़ा डाइवर्ट किया है इसको, आप अपने तरीके से जैसे आप सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को उस तरीके से करेंगे तब यही वैल्यू मिलेगी आपको, 4x बाय 3 इज इक्वल टू 52। तो x इज इक्वल टू 52, ये 3 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो 4 33 39, तो वैल्यू ऑफ x इज 39, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 39। एंड दोनों नंबर अगर पूछे तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 39 और सेकेंड नंबर क्या होगा 39 का 1/3। ठीक है, यानी कि नंबर्स आर 39 और 39 का 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो ये दोनों नंबर होंगे। इसमें आपके क्वेश्चन में नंबर्स पूछा होगा, फाइंड द नंबर, तो फाइंड द नंबर यानी कि एक ही नंबर की बात कर रहा है, तो आप एक ही नंबर लिखेंगे, नंबर इज 39। ठीक है, 39 इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सीड इटसेल्फ बाय 40, फाइंड द नंबर। एक नंबर को जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने से 40 एक्सीड कर जा रहा है। एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं इक्वेशन बता रहा हूँ आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 40, ये इक्वेशन बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का इक्वेशन होगा, नंबर्स का थ्री टाइम्स करने पे नंबर अपने से 40 एक्सीड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे लेट द नंबर इज x, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x इक्वल टू x प्लस 40, तो यहां से x यहां सब्सट्रैक्ट होगा इज इक्वल टू 40, दैट इज 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20, तो 20 इज द नंबर। ठीक है, 20 इज द नंबर व्हेन उसके 3 टाइम्स करते हैं तो क्या होगा, अपने से 40 एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन इज, इसमें क्वेश्चन जो गिवन है इसमें इसका हिंट आपको दिया हुआ है, तो इसको आप अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 में वन थर्ड ऑफ नंबर इज स्मॉलर देन इट्स टू थर्ड बाई सेवन. वन थर्ड ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर इज एक्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन थर्ड ऑफ नंबर इज स्मॉलर देन इट्स टू थर्ड बाई सेवन. वन थर्ड ऑफ नंबर इज स्मॉलर देन टू थर्ड ऑफ नंबर बाय सेवन. ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी फाइंड द नंबर. ये इक्वेशन बनेगा, नंबर का वन थर्ड अपने टू थर्ड से सेवन कम है, सो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो टू बाई थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स हो जाएगा, और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में तो प्लस सेवन हो जाएगा. ओके, अब यहाँ देखिए टू एक्स माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स माइनस एक्स बाई थ्री इजिकल टू सेवन. तो यहाँ से एक्स आ जाएगा एक्स बाई थ्री इजिकल टू सेवन, सो एक्स इजिकल टू सेवन इज टू थ्री, सेवन इज टू थ्री दैट इज 21. वैल्यू कितनी आ गई 21, सो द नंबर इज 21. क्लियर, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज राधा इज 19 इयर्स यंगर देन हर कजन. आफ्टर 5 इयर्स देयर इज एन मीन इन द रेशियो 2/3. फाइंड द नंबर. राधा इज 19 इयर्स यंगर देन हर कजन. तो अगर कजन की एज को हम एक्स मानते हैं, लेट कजन सेज एज इज इक्वल टू एक्स ईयर. तो राधा क्या है, राधा अपने कजन से 19 ईयर एंगर है, एंगर मीन छोटी. ठीक है, सो राधा की एज कितनी होगी, राधा एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 19 ईयर. 19 ईयर छोटी का मतलब एक्स माइनस 19. ओके, कह रहा कि आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेज विल बी इन द रेशियो ऑफ 2/3. तो 5 ईयर बाद हम उसके कजन की एज कैलकुलेट करते हैं और फिर 5 ईयर बाद राधा की एज. तो लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स राधा इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस 5. ओके, जितना एज है प्रेजेंट एज इसमें 5 ईयर ऐड कर देंगे, 5 ईयर्स के बाद क्या एज निकल जाएगा. आफ्टर 5 इयर्स राधा इज तो ये कितना होगा, देखिए एक्स माइनस 19 प्रेजेंट एज है, इसमें 5 इयर्स बाद की एज निकालेंगे तो प्लस 5 कर देंगे. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 14 इयर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 इयर देयर एज विल बी द रेशियो 2:3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर बाद राधा की एज और उसके कजिन की एज, कजिन की एज क्या है 5 ईयर्स बाद, एक्स प्लस 5, इन दोनों का रेशियो कितना है 2/3. ठीक है, 2/3. तो हमको यहां से क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3x माइनस 14 इजिकल टू 2x प्लस 5. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 14, 3 या 42 इजिकल टू 2x प्लस 10. ओके, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3x यहां ऊपर करते हैं, देखिए 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10, और ये माइनस 42 एक्स ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड में तो प्लस 42, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 52. सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 52 ईयर, एक्स इज इक्वल टू 52 ईयर. ठीक है, तो दोनों की एजेस बताने हैं हमको, फाइंड द देयर प्रेजेंट एजेस. ठीक है, तो
प्रेजेंट इज, प्रेजेंट इज आप प्रेजेंट, प्रेजेंट इज आप प्रेजेंट जिसको हमने एक्स माना था और एक्स की वैल्यू कितनी मिली है 52, तो कजन की प्रेजेंट इज कितनी होगी 52 ईयर। एंड प्रेजेंट इज ऑफ राधा, राधा इससे 19 ईयर छोटी है तो इसको क्या करेंगे 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है कितनी आ जाएगी 42 ईयर, ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगी इनके प्रेजेंट एज, ओके तो ये होगी 43 इयर्स, राधा की प्रेजेंट एज कितनी होगी 42 इयर्स और उसके कजन की प्रेजेंट एज 52 इयर्स, सॉरी 43 एंड 52, ओके चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ पेरिमीटर इज 60, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो मान लेते हैं कि लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, तो मान लिया लेट क्वेश्चन नंबर 11, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, सो लेंथ क्या होगा यानी कि बी की वैल्यू ब्रेथ कितनी हो गई एक्स, लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर यानी कि x से 6 सेंटीमीटर ज्यादा, लेंथ हो गई x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स पेरिमीटर, इट इफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, पेरिमीटर पेरिमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं कि पेरिमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2l प्लस b इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60, l कितना है l की वैल्यू x प्लस 6 एंड b की वैल्यू कितनी है x, इसको ऐड कर दिए इज इक्वल टू 60, ओके। अब यहां देख सकते हैं आप 2x प्लस x 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 60, अब यही आपका इक्वेशन है, ठीक है 2 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 60, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको रेक्टेंगल का ब्रेथ मिल जाएगा x की वैल्यू, और x में जब 6 ऐड कर देंगे तो आपको रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी, ओके तो इसको आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, देयर आर 50 पैसे कॉइंस एंड 1 रुपीस कॉइंस इन द बैग, इफ द कॉइंस आर इक्वल इन नंबर एंड देयर अमाउंट इज 300, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे एंड 1 रुपीस कॉइन, ठीक है तो ये आपको खुद से करना है, ये आप इक्वेशन बनाएंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन बनाएंगे और फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। चलिए तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.4 खत्म होता है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी खत्म समाप्त होता है, ठीक है चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर का है वो सारे क्वेश्चन को भी फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे, ओके थैंक यू वेरी मच।